रामायण 3D, जिसको लेकर ये खबरें थी कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण जो कि सीता बनेंगी और ऋतिक रोशन जो कि राम का रोल प्ले करेंगे, और फैंस जो हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि अब ये दोनों दिखेंगी राम और सीता के रोल में। लेकिन अब इस बात को डिनाई कर दिया गया है कि ऋतिक रोशन जो है वो इसमें राम का रोल नहीं करेंगे। अब इसमें एक साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू का नाम आ रहा है, महेश बाबू जो कि इसमें राम का रोल करेंगे और सीता का रोल दीपिका पादुकोण करेंगी। लेकिन आखिरकार ऋतिक रोशन क्यों इस फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं, क्यों रामायण 3D में ऋतिक रोशन नहीं दिखेंगे? लेकिन अब आपको बता दें कि वॉर के जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, उनकी जो पहली प्रोडक्शन वेंचर फिल्म आएगी फाइटर, एक बड़ी अनाउंसमेंट है फाइटर की, जिसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण दिखेंगे और इस बात की कंफर्मेशन एक तरह से हो चुकी है। आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ आनंद अपनी एक फिल्म ला रहे हैं जो कि उनकी खुद की प्रोडक्शन वेंचर होगी, फाइटर फिल्म का नाम होगा और उसमें ऋतिक रोशन होंगे और दीपिका पादुकोण होंगे जो कि फाइटर्स का रोल प्ले करेंगे। जी हाँ, लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं महेश बाबू। महेश बाबू जिनको लेकर ये खबरें हैं कि अब वो राम का रोल प्ले करेंगे, लेकिन पिंक पिला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब ये खबरें आ रही हैं कि राम महेश बाबू से राम के रोल के लिए पूछा गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसपे महेश बाबू ने इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं, वो अभी कुछ नहीं कह सकते और अभी राम के रोल के लिए उनके पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं किया गया है। अब आपको बता दें कि पहले ऋतिक रोशन को लेकर ये खबरें थी कि वो राम के रोल को पोर्ट्रे करेंगे, लेकिन महेश बाबू नाम अब सामने आ रहा है, लेकिन इस पर अभी कोई खुलासा प्रॉपरली हुआ नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि प्रभास जिन्हें अप्रोच किया गया था राम के रोल के लिए, लेकिन जिन्हें अप्रोच किया गया था राम के रोल के लिए, बट वो अभी ऑलरेडी अपनी आदिपुरुष फिल्म की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो उनकी तरफ से भी ना हो गया है। और अब बड़ी खबरें जो कि सामने आ रही हैं, जिस पर अब कुछ एक्ट्रेस के नाम जो कि सामने रिवील हो जाएंगे, लेकिन अभी तक महेश बाबू को जो नाम है जो आ रहा था, जिस पर महेश बाबू खुद ने उन्होंने इन रिपोर्ट्स को अभी र्यूमर्स कह दिया, डिनाई कर दिया है। लेकिन इसी के साथ सिद्धार्थ आनंद की फिल्म जो है फाइटर, उसकी एक बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।